अमेरिका में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का फैसला, फुल वैक्सीन लेने वालों को मास्क भी जरूरी नहीं है, दो गज की दूरी भी जरूरी नहीं है, 6 फीट की दूरी रखने की भी आवश्यकता नहीं है। CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा दोनों डोज लेने वाले मास्क लगाना बंद कर दें। डॉक्टर साल्वे, मैं ये जानना चाहता हूं सर कि ये अमेरिका में तो फाइजर ही लगी है और फाइजर की एफिकेसी 96% बता रहे हैं, ये CDC या अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से अनलकी 4% है? नहीं, बात ऐसी है, उसमें थोड़ा सा ट्वीक है। इसमें जो एडवाइजरी है CDC की, उसमें आउटडोर में मास्क के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप इंडोर है उसमें गैदरिंग्स और डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंसिंग और पॉसिबल है तो फेस कवर, ये अभी भी उन्होंने कॉशन किया है एडवाइजरी में। अगर हम देखें नॉट ओनली द वैक्सीन, देखिए मैं फिर से एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आपके द्वारा सबको समझाना चाहता हूँ, वैक्सीन की एफिकेसी 90% 80% है ये तो नंबर की बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी केसेस कम होते हैं, क्यों कम होते हैं, दो चीज़ों से कम होते हैं, एक नेचुरल इम्यूनिटी, जब भी जो वैक्सीन जो आपका कोविड होता है किसी व्यक्ति को उसकी नेचुरल इम्यूनिटी, प्लस एक व्यक्ति जिसको कोविड नहीं हुआ जिसको वैक्सीन लगाया है उससे पैदा हुई इम्यूनिटी। तो ज़रूरी नहीं है सब कुछ मैच हो 100% हो, बहुत सारे डिसीजेज जैसे स्मॉल पॉक्स जैसे भी जो डिसीज हुए हैं वो भी कम इफिकेसी वाले वैक्सीन से भी कारगर हुए हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का कवरेज बहुत ज्यादा है। तो US में वैक्सीनेशन का कवरेज ऑलमोस्ट 70-80% टच कर गया है, जिसको हम कहते हैं कि जो कवरेज इसे हर्ड इम्यूनिटी लाने में मदद होती है। मैं समझ गया, 2/3 हो गया, इसलिए ये एडवाइजरी जारी हुई। आई गॉट योर पॉइंट सर। मेरे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं प्रवीण, और मुंबई से है प्रवीण, हमारे साथ होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदाचार्य, साइकियाट्रिस्ट, धार्मिक गुरु, वैक्सीन के एक्सपर्ट सब मौजूद है। प्रवीण जी अपना सवाल पूछें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब स्क्रीन में दिखाया जाता है कि इतने मरीज आ गए कोविड के और इतने मौत हुए और कितने डिस्चार्ज हुए वो दिखाते नहीं है, सिर्फ इतने पेशेंट आए और इतने मर गए, इससे पेशेंट के मनो दिमाग में ये बैठ जाता है इतने मर रहे हैं तो हमारे भी नंबर ना लग जाए। इसमें जितने डिस्चार्ज हुए उनका भी स्क्रीन में दिखाना चाहिए। भाई साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये शो क्यों नहीं ध्यान से देखते हैं, आप प्लीज देखिए जरा, दिखाइए ऊपर डिस्चार्ज वाले नंबर। आज शो में हमने यही दिखाया है कि रिकवरी कितने हो गए प्रवीण जी, और ये आपकी बात सही है, लेकिन आपने जो पॉइंट रखा है इसका एक मेंटल इंपैक्ट जो है। दीपक सर मैं बहुत चाहूंगा अपने हमारे सारे गेस्ट अपने जवाब को बहुत शॉर्ट में रखें। सर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन में अब पॉजिटिविटी देखने की इच्छा जागृत हो रही है, दे आर टायर्ड ऑफ इट नाउ। मैं आपसे बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं। इवन दो आपने सही कहा कि आपके ऊपर जो ट्रैकर चल रहा है उसमें ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है कि डिस्चार्ज कितने लोग हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो न्यूज आ रही है पिछले दिनों आती रही है अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव रही, और उसका कॉनोटेशन नेगेटिव होना स्वाभाविक था, ये किसी भी मीडिया चैनल या किसी भी न्यूज़पेपर के पास कोई चॉइस नहीं थी। पर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अब समय आया है लोगों का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, उन्हें एक पॉजिटिविटी की किरण देने का, ताकि हम फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।